नमस्कार, जय जय महाराज और उत्तराखंड दर्शन, माँ ज्वाला देवी पेस देवलधार में मैं प्रवीण डिमरी एक बार फिर से आपके बीच एक नई वीडियो को लेकर के। और आप अभी जो देख रहे हो ना मेरे सामने, ये एक झील है, एक ताल है, एक तालाब है, एक कुंड है। इस कुंड को कहते हैं देवरिया ताल और ये स्थित है रुद्रप्रयाग जिले के सारी नामक गाँव में। और अगर आप ये झील देख रहे हो ना, मैं उसको बैक कैमरे से दिखाऊंगा आपको, लेकिन इतनी भव्य और इतनी सुंदर प्रकृति ने मतलब ऐसा अद्भुत करिश्मा किया हुआ है कि खुद चांद भी इस झील को देख करके पूर्णिमा के दिन शर्माता होगा और कहता होगा यार क्या चीज़ बना दी। मतलब चारों ओर से पूरा पेड़ पौधे और बीच में ये देखो ना, केवल इतना ही नहीं, इधर तक फैली हुई है लगभग। इसको पूरा एक राउंड मानने में, पूरी झील का लगभग कहते हैं कि मतलब एक घंटा लग जाता है। और इसकी गहराई का तो अभी पता ही नहीं है कितनी गहरी है। बहुत अच्छी है, अभी मैं पूरे बैक कैमरा से दिखाता हूँ और यहाँ के बारे में कुछ और रोचक तथ्य बताता हूँ। पूरी वीडियो ज़रूर देखें। चारों ओर से प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर और जो ये जंगल आपको दिखाई दे रहा है, बांज, बुरांस और देवदार आदि के वृक्ष यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और उसके बीच में कटोरे नुमा पूरी झील है, ऐसा लग रहा है एक बाउल ऐसा है और उसमें पानी भरा गया है पूरा। इस कुंड को इंद्र कुंड भी कहते हैं। कहते हैं कि इंद्र भगवान ने देवताओं के स्नान के लिए ये कुंड बनाया था, इसलिए इसको नाम देवरिया ताल पड़ा, देव और या देवरिया ताल इसलिए पड़ा। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो राजा यक्ष हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत दिव्य और बहुत मनोरम कहते हैं। हाँ, एक चीज़ और कहते हैं इसके बारे में कि यहाँ पे जो केदारनाथ हैं, जो तुंगनाथ हैं, जो कार्तिक स्वामी हैं, तो इनकी भी छाया इस कुंड में दिखाई देती है। तो बहुत ही अद्भुत तथ्यों को संजोए हुए ये पूरा का पूरा जो तालाब है, जो ताल है, अपने अंदर संजोए बैठा है और छोटी छोटी मछलियाँ इसके अंदर हैं। तो बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है। ये पूरा जो राउंड यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे हम, और यहीं ये फ्रंट साइड है, यहाँ से और यहीं पर आने के लिए हमें पूरा मतलब पूरा यहाँ से राउंड मारने के लिए हमें पूरा एक घंटा लग जाता है पूरे चक्कर मारने में। इसलिए मैं पूरा तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत दिव्य स्थान है, बहुत भव्य स्थान है देवरिया ताल। बस इसके लिए तो भाई आपका गोपेश्वर से भी आ सकते हैं, गोपेश्वर चमोली चोपता से होकर के, और रुद्रप्रयाग से अगर आप आना चाह रहे हो तो वहाँ से भी आ सकते हैं ऊखीमठ से होते हुए। लेकिन बहुत सुंदर और बहुत शांत जल, केवल यहाँ पे अगर आप आकर के शांति का अनुभव करोगे, केवल प्रकृति के नज़ारों का अनुभव करोगे और प्रकृति ने अपने आप को कितना सुंदर बनाया उसका अनुभव करोगे। तो जय जय महाराज।